आगे हर घर से हुसैनी निकलेगा। इसराइल मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद के नारों के साथ लखनऊ की छोटे इमामबाड़े से बड़े इमामबाड़े तक हिजबुल्ला महासचिव हसन नसरुल्ला की आग में मोमबत्ती जुलूस निकाला गया। हजारों की संख्या में शिया समुदाय के लोग शामिल हैं। हिजबुल्ला चीफ हसन नसरुल्ला की मौत के बाद कई देशों में प्रदर्शन हो रहे। इसी क्रम में यूपी की राजधानी लखनऊ की करबला तालकटोरा में नसरुल्ला की याद में कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च के दौरान लोग हाथों में तख्तियां लिए हुए थे। इस दौरान इसराइल मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। कैंडल मार्च करबला तालकटोरा में निकाला गया, जिसमें करबला के पुराने शहर छोटा इमामबाड़ा और नखास शामिल थे। इससे पहले दिन में सैकड़ों लोगों ने पुराने शहर के इलाके में नसरुल्ला की हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन का आह्वान शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बी जव्वाद ने किया, जिन्होंने नसरुल्ला की मौत के बाद रविवार से 3 दिवसीय शोक की घोषणा की। उन्होंने लोगों से अपने घरों पर काले झंडे फहराने और दुकानें बंद करने को कहा था। अधिकारियों ने बताया कि हाथों में काले झंडे और मशाले लेकर रविवार शाम को भी छोटा इमामबाड़ा और बड़ा इमामबाड़ा के बीच इसराइल विरोधी प्रदर्शन किया गया था। प्रदर्शनकारियों में से कई नसरुल्ला की तस्वीरें लिए हुए। उन्होंने अमेरिका और इसराइल के खिलाफ नारे लगाए और कहा कि नसरुल्ला शहीद है। मौलाना कल्बे जव्वाद ने नसरुल्ला की मौत पर दुख जताया और इस पर अपूर्णीय क्षति बताया। उन्होंने कहा कि इसराइल ने साबित कर दिया है कि वह दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी है। ये महान शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी और इसराइल जल्द ही नष्ट हो जाएगा। उन्होंने कहा कि नसरुल्ला की महान सेवाओं और उपलब्धियों को भुलाया नहीं जा सकेगा। वह हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगा।